बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनरल साइंस क्लास 5 पीटीबी बुक लेसन 1। हमारा लेसन 1 बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, इसीलिए हमने सोचा कि ये इसको पहले स्टार्ट किया जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप जो बच्चे साइंसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे टेंथ में, एफएससी में और उससे आगे, उनको ये इससे मुसलसल वास्ता पड़ता रहेगा। तो इसलिए इस चैप्टर को इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई जा रही, बिल्कुल बेसिक्स बताई जा रही हैं। शुरू से ही इसकी बेसिक्स को पकड़ लीजिएगा और इसमें इसको ऐसे ईजी सा है, बहुत आसान, इसमें कोई शक नहीं, ये बहुत इजी चीज़ है। ये ऐसे ही है जैसे आप ये सोचें कि आपने चीज़ों को ग्रुप्स में डाल देना है, लेकिन इस पर थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत इसलिए है कि ये तमाम चीज़ें इसी आगे पैटर्न से चलनी हैं, तो इसको भूलने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, इसमें हमने तमाम लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करना है। सबसे पहले जब आप क्लासीफिकेशन करते हैं तो आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। फिर आप एनिमल किंगडम में आते हैं, एनिमल किंगडम को फिर आप मुख्तलिफ ग्रुप्स में डालते हैं और उस ग्रुप में को आप पांच ग्रुप्स में डालते हैं, जिसमें आप जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास सबसे बेसिक चीज़ क्या है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की, सेल। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म। हम सेल से बने हैं, सेल हमारा बेसिक यूनिट है। लिविंग ऑर्गेनिज़म जितने भी हैं उसमें कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं। ये चीज़ें आप पुरानी क्लासेस में पढ़ाए हैं। मल्टी सेलुलर हम उन ऑर्गेनिज़म्स को कहते हैं जो बहुत से सेल्स से मिलकर बने। यूनिसेलुलर उनको कहते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने। अब आपको बताने वाली बात से यहाँ पर यह है कि वॉट इज़ क्लासिफिकेशन, क्लास में क्यों डाला जाता है। आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं तो फिर क्या हुआ, हमें पता है ये ज़िंदा चीज़ें, इनको क्लास में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया में जब आप लिविंग थिंग्स को देखते हैं तो लिविंग थिंग्स की तादाद करोड़ों में है। उसमें जब आपने अपनी जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई, उस तरक्की के साथ साथ अब आप एक एक सब्जेक्ट पर स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं, तो आपको एक एक चीज़ को अलिफ बे से नहीं पढ़ना, ए बी सी से नहीं पढ़ना। आपने एक चीज़ की स्टडी की, उसको एक ग्रुप में डाला, जब आपने उसको शनाख्त कर लिया, उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इस ग्रुप का हिस्सा है, तो इसका मतलब है जो साइंटिस्ट है, जो रिसर्चर है, उसके दिमाग में वो सारी बातें आ जाएंगी कि ये इस ग्रुप का पार्ट था और अब इससे आगे इसमें स्टडी करना है, या उससे मिलते जुलते जितनी और चीज़ें ऐसी मिलेंगी तो वो उनको भी उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि इससे हमें ये चीज़ें मिल सकती हैं, ये इसके बेनिफिट्स हैं, ये इसके नुकसानात हैं। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर ये है, हमने इस लेसन में क्या पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग पढ़नी है, इंट्रोडक्शन ऑफ मेन किंगडम्स। जब हम लिविंग थिंग की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमने दो चीज़ों में डाला, प्लांट और एनिमल, और जब एनिमल में डाला तो एनिमल्स को हमने फिर पांच हिस्सों में तकसीम कर दिया, लिविंग थिंग्स को, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाए, एनिमल्स और प्लांट्स। ठीक है, इन पांच बेसिक बड़े ग्रुप्स में डाला, जिसके अंदर फिर जब आप एनिमल ग्रुप में आए तो उसको फिर आपने दो ग्रुप्स में डाल दिया, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर और बग़ैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। इसके बाद फिर आपने देखा कि हमारे इर्द गिर्द पौधे हैं, तो पौधों को आपने जब स्टडी करना चाहा तो सबसे पहले पौधों का दो मेजर ग्रुप बनाने की ज़रूरत थी, जिसमें आपने देखा कुछ पौधों पर फूल उगते हैं, कुछ पे नहीं उगते, तो आपने उसको दो ग्रुप्स में डाल दिया, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा, उसके बाद जब आपने देखा कि फ्लावरिंग प्लांट्स आ गए तो फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ पौधों के, फिर आपने उसकी स्टडी बीज पे करनी थी, तो आपने कुछ पौधों को देखा वो मोनोकॉर्ड थे, कुछ को देखा वो डाइकॉर्ड थे। अच्छा, फिर मोनोकॉर्ड एक बीज ऐसा होता है जिसको जब आप जैसे मटर का दाना छीलते हैं तो उसके दो हिस्से बन जाते हैं। मटर खाए हैं ना आपने, तो मटर के दो, ऐसे ही चावल है,
चावल को आप जितना मर्जी देर तक भिगोए रखें, वो स्लिप होके दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता। ऐसे बीज जो सिंगल कॉटिलेडन होते हैं उनको मोनोकॉट कहते हैं, जिसके जैसे चना चना है जो आप साबत चने खाते हैं या भुने हुए चने जो खाते हैं, जब उसका छिलका उतारें तो उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, तो वो हो गए डाइकॉटिलेडन, यानी जिनके दो पार्ट्स बन जाते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मीन्स स्ट्रॉन्ग आउट क्लासिफिकेशन मीन्स सॉर्टिंग आउट थिंग्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग आउट यानी हिस्सों में बांट देना, अलग अलग कर देना ऑन बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम। उनके अंदर जो एक जैसी चीज़ें हैं और जो उनके अंदर अलग अलग, बिल्कुल ही अलग अलग है, उनकी बुनियाद पर उनको अलग अलग कर देना। इसकी एग्जांपल यूँ देखिए कि ये नीचे आपको बुक में बताया गया है, कुछ स्पून्स हैं, कुछ बुक्स हैं और कुछ आपके पास फ्रूट्स हैं। ये बहुत बेसिक सी बात है। अगर आपको मैं ये सब चीज़ें छोटे बच्चों को भी दे दी जाए, आप प्लेन नर्सरी के बच्चों को ये चीज़ें दे दें और आप उनको कहें इनको अलग अलग हिस्सों में डालें, एक जैसी चीज़ें अलग कर दें, तो उनको पता होगा कि स्पून्स हमने अलग कर देने, बुक्स अलग कर देनी और फ्रूट्स अलग कर देने, ठीक है ना। तो ये आपकी बेसिक ग्रुप बन गया। उसके बाद इसकी एक बार रीडिंग कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन मीन्स सॉर्टिंग आउट थिंग्स इंटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज अमंग देम। रीडिंग करने का मकसद आपकी साइंटिफिक वर्ड्स की प्रोनंसिएशंस क्लियर करना है, ताकि किसी चीज में कोई कमी ना आए। फिगर 1.1 शोज द ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच ग्रुप। थिंग्स आर पुट टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटीज अमंग देम। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द थिंग्स ऑफ द ग्रुप्स आर मेड ऑफ मेटल। द थिंग्स of group B are books and the things of group C are fruits. तीन groups में आपने इसको divide कर दिया। In this unit, ये वाला जो unit हम पढ़ रहे हैं, we will study different groups of living things and comparing their characteristics. हम इसमें different groups पढ़ेंगे और उनके characteristics को अलग अलग करेंगे। अच्छा, अब living things में हमारे हमने उनको पांच मेजर ग्रुप्स में बांटा था। पांच मेजर ग्रुप्स कौन से थे? बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स क्यों असेंशियल है, क्यों ज़रूरी है? अब आपका एक सवाल यहाँ पे, जो पीछे ही हमने पिछले ही उसमें देखा था कि भाई हम क्यों क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं, टू स्टडी द क्लियर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी थिंग। We need it to classify the things in different groups. There are millions of living organisms in the world. Scientists have grouped them on the basis of similarities in their characteristics. Grouping of living organisms on the basis of similarities and differences in their characteristics is called classification of living thing. क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स इज असेंशियल, इसलिए लाजमी है, फॉर मेकिंग देयर स्टडी ईजियर, ताकि हम उनसे एक आसानी से स्टडी कर सकें। ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट एग्जामिन, जब वो क्लासिफिकेशन करते हैं साइंटिस्ट, तो उसमें क्या देखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अनफेमिलियर ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिससे वो फेमिलियर नहीं है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जब उस जैसे सपोज आप देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म किसी को मिला, उसकी दो टांगे हैं, उसके अंदर रीढ़ की हड्डी है, उसकी स्किन पे बाल हैं, उसके कान, ये छोटे से उसने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, लेकिन उसने इससे पहले नहीं देखा था कि ये ऐसा जानवर भी होता है। तो उसने कहा कि क्योंकि इसके कान निकले हुए हैं, इसके जिस्म पे बाल हैं और इसकी दो टांगे हैं या चार टांगे हैं, तो ये मैमल्स में आ जाएगा। इस तरह वो उसको क्लासीफाई करेंगे, फिर उससे आगे चलना उनको आसान हो जाएगा। They also suggest name for organisms and its identification. फिर वो उसको नाम भी देंगे ताकि वो पहचाना जा सके। अच्छा, अब हमने जो फाइव किंगडम्स में फाइव क्लासेस में उसको डाला है, उसकी किंगडम्स भी होती हैं। Nowadays scientists classify living things into five main groups called kingdoms. ये जो मेन ग्रुप है इसको किंगडम्स कहते हैं। These kingdoms आर नेम्ड एज मोनीरा, प्रोटिस्टा, फेंजाई, एनिमल्स एंड प्लेंटिया।
Examples of the living things that belongs to these kingdoms are under, यानी ये kingdom का नाम है, इसमें कौन सी चीज़ आती है, वो ये आती है. मोनिरा, ये देखिए, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अब आपको ये लाजमी आना चाहिए कि इस ग्रुप में, इस किंगडम में क्या आता है. बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, एल्गीज, फंजाई, यीस्ट, मशरूम एंड एट्सेट्रा. एनिमेलिया, एनिमल्स, प्लैनिटिया, प्लांट्स, ये तो नाम से ही आपको. अब सबसे पहला ग्रुप है हमारा बैक्टीरिया. कि बैक्टीरिया क्या होता है, आपने अक्सर नाम सुना होगा बैक्टीरिया, और इसमें कुछ यूज़फुल बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ चीज़ें हमारे लिए इसमें फ़ायदेमंद भी होती हैं. जैसे कहा जाता है मोस्टली कि दही को के अंदर थोड़ा सा दही ही और डाल दें तो वो जो बैक्टीरियाज है वो आपका दही को पूरे दूध की दही बना देंगे. तो इसी तरह आप के उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो आपके लिए लाइफ में हेल्पफुल होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपके जिस्मों में बीमारियां भी फैलाते हैं. ये सिंगल सेल एनिमल होता है, इसको हम कहते हैं यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. हर जगह मिलता है कोई, क्योंकि ये बैक्टीरिया है, ये आँख से देखा नहीं जा सकता, इसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो इसलिए ये हर जगह मौजूद होता है. सम बैक्टीरिया कैन मेक देयर फूड, कुछ बैक्टीरिया अपनी फूड बना लेते हैं, और बाकी जो बैक्टीरिया हैं वो फूड नहीं बनाते बल्कि वो आपके जिस्मों के अंदर और इर्द गिर्द आप ही के साथ रहते हैं. कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो मुर्दा चीज़ों के ऊपर आते हैं, उनकी गली हुई गली सड़ी चीज़ें जो हैं, ज़ाहिर उसमें होती तो वो तमाम बेसिक फूड्स हैं वो सारी उसमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो खाते हैं. मोस्ट बैक्टीरियाज कॉजेज डिजीजेज इन एनिमल एंड प्लांट्स. प्लांट्स बहुत से बैक्टीरिया बीमारियां पैदा करते हैं जानवरों में और इंसानों में. पहला ग्रुप है हमारा बैक्टीरिया का, क्योंकि ये आपका है नज़र आने वाला आपका माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है. इसको इसलिए सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म को मोनिरा किंगडम है इसका, और बैक्टीरिया इसकी एग्जांपल है. उसके बाद हम आ जाएंगे एल्गीज आर ये भी यूनिसेलुलर है. यूनिसेलुलर, जितने यूनिसेलुलर हैं वो कॉलोनीज बना के रहते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसको कॉलोनी कहते हैं. जैसे एक कॉलोनी में बहुत से मकान होते हैं, ये भी एक दूसरे के करीब जुड़ जुड़ के कॉलोनी बना के रहते हैं. कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें कुछ मल्टी सेलुलर भी हैं और कुछ कॉलोनियल भी हैं. जो दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, ये पॉन्ड्स में होते हैं, लेक्स में होते हैं, सी में होते हैं. दे हैव क्लोरोफिल्स, ये मोस्टली ग्रीन होते हैं, अगर इसमें कोई और कलर भी होता है तो वो भी क्लोरोफिल होता है. दे हैव क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, सूरज की रोशनी में पानी के अंदर होते हैं, पॉन्ड्स के और लेक्स के अंदर होते हैं, वहाँ सूरज की रोशनी में पानी वहाँ से ले लेते हैं और उसके बाद ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं. इसकी मिसाल है ये क्लेमेडोमोनास, वॉल्वस और स्पायरोगायरा आर द एग्जांपल्स ऑफ एल्गीज, ये एल्गीज की मिसालें हैं. अच्छा, अब हम आ गए तीसरे ग्रुप पे. ये आंख से नज़र आने वाला ग्रुप है लेकिन है ये छोटा ग्रुप. फंजाइज आर फाउंड एज यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और फ्लेमेंटस फॉर्म. ये आपका यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है और ऐसा लंबा लंबा धागो जैसा फ्लेमेंटस फॉर्म में भी है. ऑल फंजाइज लैक क्लोरोफिल, इसमें लैक नहीं होता क्लोरोफिल, एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, और ये अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते. दे एब्जॉर्ब फूड, वो फूड को चूस लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से वो खुराक लेते हैं. यीस्ट आपने देखी है कि जब आपके केक बनता है या आपकी पिज़्ज़ा बनता है और इन तमाम चीज़ों में यीस्ट डाला जाता है, जो नान बाई जब नान बनाते हैं मैदे में थोड़ा सा यीस्ट ऐड करते हैं जिससे वो चीज़ें फूल जाती हैं. राइजोपस, वो फंगस है जो आपकी ब्रेड पे लग जाती है.
इसके अलावा आपके फ्रूट्स अगर कहीं गीले पड़े हों तो उनकी डंडियों के पास वहाँ लग जाती है, और भी बहुत सारी जगहों पे, कहीं कोई जगह गीली पड़ी रहे, हल्की हल्की नमी हो तो वहाँ पे नीले नीले से रंग की या हरे हरे से रंग की जो राइजोबस लग जाती है। एंड मशरूम्स, मशरूम्स वो टोपी वाले आपने कहीं देखे होंगे, छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, वाइट से कलर के होते हैं और उनके ऊपर ऐसे छतरी बनी होती है जिसको बच्चे अक्सर कहते हैं ये सांप की छतरी है। तो ये देखिए, ये है मशरूम्स। ये गंदी जगहों पर, क्योंकि ये भी अपनी खुराक खुद नहीं तैयार करते, ये प्रोटीन्स वगैरह वहाँ से जज़ब कर लेते हैं, तो ये गंदी जगहों पर उगती हैं और आर इंक्लूडेड इन किंगडम फिंजाए। अब ये किस किंगडम में आते हैं? फिंजाए में आते हैं, यीस्ट मशरूम और एट्सेट्रा फिंजाए किंगडम में आते हैं, ठीक है। और इसको यीस्ट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक फिंजाए। यीस्ट क्या है? माइक्रोस्कोपिक फेंजाए है। राइजोपस ब्लैक एंड मोल्ड ग्रोन ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट्स। मशरूम्स अम्ब्रेला लाइक फेंजाए अपेयर्स ऑन द डंप ऑफ डेब्रस एंड हीप्स ऑफ डग। गोबर, गंद, मिट्टी, जहाँ पे ऐसी चीज़ें मॉइस्चर होता है वहाँ पे ये उगते हैं। अच्छा, ये तीन छोटे हमने किंगडम कर लिए, अब हम मेन बड़े किंगडम पे आ गए, दैट इज कॉल्ड एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम आर द मेजर ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जाहिर है हमने देखा कि एनिमल जितने हैं बड़े बड़े होते हैं, तो वो एक सेल के तो नहीं हो सकते, मल्टी सेलुलर होते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपनी खुराक नहीं तैयार कर सकते। कोई भी आपका घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, आप खुद अपनी खुराक खुद तो नहीं तैयार कर सकते ना। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स, तमाम एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड फॉर देयर फूड, अपनी खुराक के लिए। अच्छा, एक ये ग्रुप आ गया, उसके बाद आ गया आपका प्लांट्स। प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक, इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ज़्यादा सेल होते हैं इसमें। दे विल लर्न अबाउट देयर फर्दर क्लासिफिकेशन अंडर 1.4 सेक्शन। 1.3 सेक्शन में हमने एनिमल्स की क्लासिफिकेशन पढ़नी है, 1.4 सेक्शन में हम जाके प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स आर क्लासिफाइड इन टू टू मेन ग्रुप्स, इनको दो बड़े मेन ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, एक रीढ़ की हड्डी वाले और एक बिना रीढ़ की हड्डी वाले। रीढ़ की हड्डी वाले जानवर वर्टिब्रेट्स एंड बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवर इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विच हैव देयर बैकबोन। आप देखें, आप अपने कमर पे, अपने किसी बड़े बुजुर्ग की, किसी छोटे बहन भाई की रीढ़ की हड्डी पे ऐसे नरमी से हाथ लगा के पुश करके देखें तो आपको वहाँ रीढ़ की हड्डी महसूस होगी। इसी तरह आपके घर में जो पेट एनिमल है, जैसे कैट है या डॉग है, अगर किसी के पास है तो आप उसको भी छू कर देखें तो उसमें भी हड्डी, रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। जब आपने कभी फिश खाई होगी तो फिश के अंदर से एक पूरा पिंजर सा निकलता है हड्डियों का, वो भी उसकी वर्टिब्रेट है। ये देखिए, यहाँ दिखाया हुआ है, ऐसी पूरी एक साइडों पर कांटों वाली एक पूरी रिब एक निकलती है, वो वर्टिब्रेट होती है। फील द बैक ऑफ योर बॉडी विद योर फिंगर, डू यू हैव अ बैकबोन, आर यू अ वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, बताइए। तमाम लोग जिनके पास रीढ़ की हड्डी है वो वर्टिब्रेट है। अच्छा जी, देयर आर 47,000 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स ऑन द अर्थ। अब अलग अलग किस्मों के 47,000 एनिमल्स हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी है। वर्टिब्रेट्स, फिर इस वजह से आगे उन्होंने उसकी क्लासिफिकेशन कर दी और उसको उन जानवरों को फिर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक उससे उसकी निस्बत वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट से थोड़े छोटे ग्रुप किया और उसको पांच ग्रुप्स में डाल दिया। सबसे पहला ग्रुप फिश, उससे अगला ग्रुप आपका आया एम्फीबियंस, उससे अगला ग्रुप रेप्टाइल्स, उससे अगला ग्रुप आया आपका बर्ड्स, फिर आपका आया मैमल्स। रेप्टाइल्स में आपके आता है स्नेक, छिपकली, ये चीज़ें। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब यहाँ मैमल्स, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप जिसको हम जानते हैं वो मैमल्स का ग्रुप है। मैमल्स के अंदर चार पांच चीज़ें जो सामने नज़र आ रही होती हैं और आप उसको उठा के मैमल ग्रुप में डाल देते हैं,
मैमल्स के कान बाहर होते हैं, इनके जिस्म पे बाल होते हैं, ये अपने बच्चों को खुद दूध पिलाते हैं, इनके बच्चे मैमल बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते, और बच्चा जो है माँ के अंदर प्रवेश पाता है। पांच खूबियाँ हो गई ना इनकी अलग, जिस जानवर में भी, जिस एनिमल में भी, इसी इंसान, इवन इंसान, इंसान भी एक एनिमल है, इसमें भी, जिस जानवर में भी, और इससे मिलते जुलते कोई और आपको ऐसे जानवर अननोन मिले जिसके कान बाहर हैं और ये सब कुछ है, तो वो सब के सब कौन है? मैमल्स हैं। ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स काउस, गोट्स, हॉर्सेस, टाइगर्स, कैट्स, रैबिट्स बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कॉल्ड मैमल्स। मैमल्स हैव हेयर ऑन और फर ऑन देयर बॉडीज। बेबीज ऑफ मैमल्स आर फेड ऑन द मदर्स मिल्क। द यंग वंस इन मैमल्स जनरली डिवेल्प इन साइड द मदर्स बॉडी। छोटे बच्चे अक्सर मैमल्स के जिस्म के अंदर ही परवरिश पाते हैं। काउस, गोट, हॉर्स, टाइगर, रैबिट और कैट, ये एग्जाम्पल है। अच्छा, अब आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ी सी यहाँ इन्फॉर्मेशन बढ़ाई गई है। एक ये वो क्वेश्चंस हैं जो पढ़ते हुए इंसान के दिमाग में आते हैं कि अगर बाल होते हैं तो किसी के जिस्म पर ज़्यादा बाल नज़र आते हैं और किसी के जिस्म पर बहुत कम बाल नज़र आते हैं और किसी के जिस्म पर नहीं भी आते। ये चीज़, इसकी अलहदगी अलहदा अलहदा इसको ग्रुप होता है, क्योंकि उनका जैसा जैसा हैबिटेट हो उसकी ज़रूरत के मुताबिक उनको अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी दी है। जैसे आपका पोलर बियर है, पोलर बियर बहुत सर्द इलाकों में, ठंडी जगहों पे रहता है, तो इसलिए इसके जिस्म पर बहुत थिक एक फर कोट होता है। एलिफेंट गर्म इलाकों में रहता है, इसके ऊपर नहीं होता, लेकिन ये बच्चे देता है। द क्वांटिटी ऑफ हेयर और फर ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट ऑफ देयर एनवायरमेंट ऑफ देयर एनवायरमेंट। पोलर बियर लिव्स इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट, हैंस इट हैज़ अ थिक कोट फर। एलिफेंट लिव्स इन अ हॉट क्लाइमेट, सो इट डज नॉट नीड थिक कवरिंग ऑफ हेयर और फर। वेल एंड डॉल्फिन आर एनिमल्स। ब्लू वेल इज अ वर्ल्ड्स लास्ट लार्जेस्ट एनिमल। इट्स अबाउट 35 meters लॉन्ग एंड नियरली 120 tons इन वेट। इन साइड इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन और सूसू इज अ रिवर डॉल्फिन ऑफ पाकिस्तान, नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ये जो वेल है ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। ह्यूमन मंकी, ह्यूमंस, ह्यूमन मंकी, गुरीला एंड चिंपैंजीज आर द इंटेलिजेंट एनिमल। ये ज़हीन जानवर हैं और अपने लिए खाना, खुराक कैसे इकट्ठे करते हैं, कैसे घर बनाते हैं, कैसे बच्चों को पालते हैं, कैसे अपनी हिफाजत करते हैं, इस चीज़ों से पता चलता है। दे हैव हाईली डिवेलप्ड ब्रेन। अच्छा, इसके बाद बैट्स हैं। बैट्स जो हैं ये फ्लाइंग मैमल हैं। बैट भी अपने बच्चों को, चमगादड़ अपने बच्चों को दूध पिलाती है और बच्चे देती है। अब एनिमल्स के बाद, मैमल्स के बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो है बर्ड्स का। बर्ड्स कौन होते हैं? जिनके जिस जो उड़ सकते हैं उनको हम बर्ड्स कहते हैं, और उनके जिस्म पे पर होते हैं, उनकी चोंच होती है, उनके पंजे होते हैं और उनके जिस्म पे फेदर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे से वो क्या उसको कहते हैं, पर टाइप। स्पैरोज, काउस, पैरट, डव, रॉबिन, हैंस एंड पिजन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कॉल्ड बर्ड्स। बर्ड्स हैव फेदर्स, विंग्स एंड बीक्स, तीन चीज़ें। दे हैव हॉलो बोन्स। अच्छा, क्योंकि ये उड़ते हैं और हमारी जिस्म की जो हड्डियां हैं इनके बीच में, आपने देखा होगा जब आपने बकरे का गोश्त खाया हो या आपने कट्टे का गोश्त खाया हो, तो उसके अंदर, उसकी हड्डी के अंदर से गूदा निकलता है, लेकिन जो बर्ड्स हैं इनकी बोन्स हॉलो होती हैं, विच मेक देयर बॉडीज़ वेरी लाइट। इसकी वजह से इनकी बॉडीज़ बहुत लाइट हो जाती हैं। सम बर्ड्स लाइक कीवी एंड ऑस्ट्रिच। कीवी एक परिंदा है,
बड़े साइज का होता है, और ऑस्ट्रिच भी एक परिंदा है, ये भी काफ़ी बड़ा होता है। दे कैन नॉट फ्लाई, दे आर नोन एज आ रनिंग बर्ड, ये भागने वाले परिंदे के तौर पर मशहूर हैं। बर्ड्स क्या करते हैं, अंडा देते हैं, दे ले एग्स, एग्स के ऊपर एक शेल होता है, एग्स हैच इंटू बेबी बर्ड्स, और वो तमाम जैसे जो इसका बेबी बर्ड है वो अंडे के अंदर परवरिश पाता है, अंडे के एग के अंदर ही हैच होता है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है उसके पास अपनी एक स्ट्रॉन्ग सी छोटी सी बीक होती है, वो शेल को अंदर से ही ठुक मार के तोड़ लेता है और अंडे से बाहर आ जाता है। उन्होंने कहा है, आपको एक्टिविटी दी है, मेक अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स दैट यू सी इन योर सराउंडिंग, एग्जामिन देयर बीक, अपने परिंदों की जो आपके इर्द गिर्द हैं लिस्ट बनाएं और उनकी चोंच गौर से देखें। वाई डिफरेंट बर्ड्स हैव बीक ऑफ डिफरेंट शेप्स, जानवरों की शेप बीक की डिफरेंट क्यों होती है, इसलिए कि ये मुख्तलिफ किस्म का काम करता है। जैसे आपकी डव है, स्पैरो है, रॉबिन है, पिजन है, ये दाना चुगते हैं, हैन है, इनकी तकरीबन 19-20 के फ़र्क से मिलती जुलती चोंच है। किसी की चोंच थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि वो ज़मीन के बीच में से भी दाना निकाल लेते हैं, या वो जो छोटे छोटे कीड़े हैं उनको ज़मीन को करके खा लेते हैं। पैरट, पैरट की चोंच देखें कितनी शार्प है, ये फ्रूट्स खाता है, ये दरख्तों के ऊपर जितने पके हुए फल हैं ये उनको खाता है, और उसको खाने के लिए इसको एक फल जो ऊपर लगा है उसको वहीं पे लगे लगे को काटना होता है, इसलिए इसको तेज़ कटिंग वाली वो दी है अल्लाह ताला ने चोंच। आउल इज़ अ बर्ड विद बिग आइज, आउल एक ऐसा परिंदा है जिसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं। उसके बाद क्योंकि अंधेरे में रहता है इसको विजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिया है देखने के लिए, और ये बहुत कम लाइट में देख सकता है, बल्कि जू जू लाइट बढ़ती है तो इसका इसको नज़र आना बंद हो जाता है, ऐसे ही बंद हो जाता है जैसे अगर आप एकदम अपनी आइज के अंदर टॉर्च मारें तो आपकी आँखों को नज़र आना बंद हो जाएगा, ऐसे ही जब सूरज तेज़ होता है तो उल्लू को नज़र आना बंद हो जाता है। कीवी एंड ऑस्ट्रिच आर रनिंग बर्ड, डक इज़ अ स्विमिंग बर्ड, पेंगुइन इज़ अ बर्ड, पेंगुइन आपने देखा होगा, पेंगुइन एक परिंदा है, इसके दो पर हैं, दो छोटे छोटे पाँव हैं, ये देखिए पेंगुइन। पेंगुइन भी एक बर्ड है जो मोस्टली किनारों पे रहता है पानी के, और कहाँ चले, पेंगुइन इज़ अ बर्ड दैट लिव्स ऑन आइस, वुड पैकर इज़ अ बर्ड दैट मेक्स होल्स इन ट्रीज, वुड पैकर, वुडी वुड पैकर, देखें चोंच से ठोक ठोक के चोंच मार मार के दरख्त के अंदर सुराख कर लेता है। हमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, ये हमिंग बर्ड इसको इसलिए कहते हैं कि हर वक्त हल्की परवाज़ के साथ यूँ अपने पंख हिलाता रहता है और एक जगह स्टे करके उड़ता रहता है, और हर वक्त ये कोई भी काम ऐसे ही एक जगह हवा में रुक के कर लेता है। ईगल्स लिव इन टॉल ट्रीज और ऑन अ क्लिफ, इट ऑफन बिल्ड देयर नेस्ट नियर द रिवर्स, क्योंकि ये रिवर के अंदर से मछली खाते हैं, सो दैट इट कैन डाइव डाउन टू कैच फिश फूड, फिश फॉर इट्स फूड। हॉक्स इज अ बर्ड ऑफ प्रे, इसी तरह हॉक है, ये भी शाहीन, ये भी झपटा मारता है, उड़ती हुई चिड़िया भी पकड़ लेता है, उड़ता हुआ कबूतर भी पकड़ के खा लेता है। ये हो गए बर्ड्स, बहुत मुश्किल तो नहीं है। अब हमारा अगला ग्रुप आ गया रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स ग्रुप उन जानवरों में आते हैं जो मोस्टली रींगने वाले, जिसको हम उर्दू में कहते हैं रींगने वाले जानवर, तो रींगने वाले जानवर जितने हैं वो रेप्टाइल ग्रुप में आते हैं। लिजर्ड, स्नेक, टॉर्टाइज, क्रोकोडाइल, एलिगेटर बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कॉल्ड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स हैव ड्राई थिक एंड स्केली स्किन, इनके स्किन के ऊपर ना ऐसे सख्त सख्त स्केल्स होते हैं, विच कवर्स एंड प्रोटेक्ट देयर बॉडीज, जो इनको कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हॉट एरिया में रहते हैं तो इसकी वजह से इनके बॉडी से पानी की एवेपोरेशन भी कम होती है, इनको सेव रखते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, तमाम रेप्टाइल्स अंडे देते हैं ऑन लैंड, ज़मीन पर। देयर एग्स हैव थिक लेदरी शेल्स, इनकी थिक मोटी सख्त
लेदर जैसी शेल होती है विच प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग ड्राई, जो अंडे को ड्राई होने से बचाती है। मोस्ट रेप्टाइल्स हैव फोर लिम्स बट स्नेक लैक लिम्स, तमाम इनके तकरीबन चार टांगे होती हैं लेकिन स्नेक की टांगे नहीं होती। अच्छा, उसके बाद आ गए एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो जानवर हैं जो सर्दियां होते ही आपको गायब हो जाते हैं। ये अपने जिस्म का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकते। रेप्टाइल्स में भी बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कि मड के अंदर ख़ुद को छुपा लेते हैं जो ही गर्मियाँ आती हैं। आपने देखा होगा कि छिपकली आपको नज़र नहीं आती, वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। हाइबरनेशन पीरियड इनका वो होता है जिसमें ये जब बहुत शदीद गर्मी आती है और सर्दी आती है, बहुत शदीद सर्दी आती है तो ये अपने जिस्म को ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे ये ज़िंदा नहीं है। इनका जिस्म अंदर से एक टेम्परेचर सिर्फ बाहर के टेम्परेचर से मेंटेन करता है वरना इनका खून ही जम जाए। तो इसलिए ये अपने ऊपर मट्टी गारा लगा के ऐसी जगह छुप जाते हैं जहाँ पर ये ज़िंदा रह सकें और अपने जिस्म के टेम्परेचर को इतना गिरने ना दें कि ये जम के मर जाएं। टॉड फ्रॉग स्लेमेंडर बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स कॉल्ड एम्फीबियंस। दे हैव फोर लिम्स, इनकी चार टांगे होती हैं, छोटे छोटे पाँव होते हैं। एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, ये ज़मीन पर और पानी दोनों में रह सकते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स और स्किन, इनकी स्किन से इनको ऑक्सीजन मिलती है और इनके लंग्स से। दे यूजली हैव लूज एंड वेट स्किन, इनकी ढीली सी और गीली गीली स्किन होती है। मोस्ट ऑफ देम स्पेंड देयर अडल्ट लाइफ ऑन द लैंड एंड देन रिटर्न टू वाटर टू ले एग्स, अपनी जिंदगी छोटे होते हुए ये पानी में पैदा होते हैं। इनके माँ बाप पानी में अंडे, माँ इनकी पानी में अंडे देती है और उसके बाद जब ये पैदा होते हैं फिर ये खुश्की पे आ जाते हैं और जब ये बड़े हो जाते हैं फिर ये अंडे देने के लिए पानी में जाते हैं। एम्फीबियंस एग लुक लाइक बीड्स, ये छोटे छोटे पोतियों की तरह जुड़े जुड़े आपस में होते हैं इन जेली, यानी जैसे अंडे की सफेदी होती है ना, इस तरह का एक मटीरियल होता है जेली लाइक, उसके अंदर इसके छोटे छोटे अंडे होते हैं। दे आर सॉफ्ट एंड डू नॉट हैव हार्ड शेल, ये सॉफ्ट होते हैं और इनके ऊपर हार्ड शेल नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा अंडे देते हैं क्योंकि इनका जो है ना, उसके बाद अंडों से बच्चे निकलने के बाद बहुत सारे बच्चे भी मर जाते हैं और बहुत सारे अंडे भी ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इनको ये सलाहियत दी है कि ये अंडे जो है बहुत ज़्यादा तादाद में देते हैं। देखिए, ये टॉड है, फ्रॉग है और स्लेमेंडर है, ये तमाम के तमाम आपको सर्दियों में ना तो छिपकलियाँ नज़र आती हैं ना फ्रॉग नज़र आते हैं और आपके जो बहुत ज़्यादा वो हैं स्नेक और ऐसी चीज़ें, ये तमाम की तमाम छुप जाती हैं उन जगहों पे, हाइबरनेट कर लेती हैं ताकि इनको ये डू यू नो इन वाटर एम्फीबियंस बरी देमसेल्व्स, एम्फीबियंस जितने भी हैं वो अपने आप को दबा लेते हैं पानी सर्दियों के अंदर इन द मड एंड स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे टाइम के लिए सो जाते हैं टू कीप देमसेल्व सेफ फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट, ताकि वो अपने आप को सर्दी के मौसम से महफूज रख सकें। लास्ट हमारा जो है वो है फिश। आपका रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में लास्ट ग्रुप फिश। देर आर ओवर 25,000 डिफरेंट काइंड ऑफ फिश फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिग 1.10 देखिए, ये आपके पास बटरफ्लाई फिश, रेनबो फिश, सी टॉड, ट्राउट, रहू, गोल्ड फिश और शार्क। ये मुख्तलिफ फिश हैं, ये आपको चंद दिए हैं, 25,000 डिफरेंट हैं। दे हैव स्ट्रीम लाइंड बॉडी, इनकी लंबी बॉडी होती है, वेल सुटेड टू स्विम फास्ट इन वाटर, जो सबसे बेहतर होती है पानी में तैरने के लिए। फिश हैव फिन्स एंड टेल्स,
इनके ये साइडों पे उगे हुए फिन्स होते हैं और दुम होती है जो इनको तैरने में मदद देती है, और इनके जिस्म पे विच हेल्प देम टू स्विम, दे हैव स्टिफ स्केल्स ऑन देयर स्किन फॉर प्रोटेक्ट, इनके ऊपर स्टिफ से स्केल्स होते हैं जो इनके अंदर का जिस्म नरम गोश्त होता है उसको बचा के रखते हैं, दे हैव गिल्स टू ब्रीथ, इनके यहाँ कानों के पास या इस जगह पर इनके ये देखिए ये इनके गिल्स होते हैं जिससे ये पानी अंदर लेके अब वहीं से पानी वापस निकाल देते हैं, अंदर नहीं लेके जाते और ऑक्सीजन अंदर उसमें से ले लेते हैं। तमाम फिश दे हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर, मोस्ट ऑफ द फिश रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग, अक्सर मछलियाँ अंडे देती हैं पानी में बच्चे पैदा करने के लिए। अच्छा, यहाँ उन्होंने आपसे पूछा है कि जिस जो आप समझते हैं कि गिल्स से सांस लेती है उसके आगे जी लिख दें, जो लंग्स से सांस लेते हैं उसके आगे एल लिख दें, शीप लंग्स से सांस लेती है, स्पैरो लंग्स से सांस लेती है, शार्क मछली गिल्स से सांस लेती है, ये देखें इसके ये गिल्स हैं, और लिजर्ड, लिजर्ड के गिल्स तो नहीं होते लेकिन गिजर्ड लिजर्ड के दो छोटे छोटे से होल होते हैं और वो जिस वक्त भागती है तेज़ी से तो उनमें हवा भर लेती है और फिर उसके अंदर ऐसे माइनर सा एक सिस्टम है जिससे वो सांस लेती है, हम उसे कह सकते हैं कि लिजर्ड जो है लंग्स से ही सांस लेती है। इसके बारे में आप नेट पे पढ़िएगा कि लिजर्ड किस चीज़ से सांस लेती है। ये हमारे सारे के सारे वर्टिब्रेट ग्रुप कंप्लीट हो गया। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन मीन्स sorting of things into groups these groups makes study easier। उसके बाद हमने इनको पांच ग्रुप्स में डाला, तमाम लिविंग थिंग्स को जिनके किंगडम थे मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाए, एनिमेलिया और प्लैंटिया। अब आपके पहला जो है पहला किंगडम उसमें बैक्टीरियाज आते हैं, फिर एल्जीज, फिर जीस्ट, फिर एनिमल्स और फिर आपके प्लांट्स। अच्छा, आपने इसमें से एल्जीज, बैक्टीरियाज, एल्जीज, जीस्ट, एनिमल्स, जब आप एनिमल्स पे आए तो आपने एनिमल्स को फिर दो ग्रुप्स पे बांट दिया, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। अब हमने वर्टिब्रेट को जब किया तो वर्टिब्रेट को हमने फिर पाँच ग्रुप्स में डाल दिया, वो पाँच ग्रुप्स कौन से थे, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। अब उसका हमने लास्ट बर्ड्स पढ़ लिया, फिश पढ़ लिया, अब हमारे लगे हैं इनवर्टिब्रेट्स पे, यानी बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों पे, जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनकी शेप कैसे कायम रहती है, वो कौन से जानवर हैं और वो क्यों हैं, उनका हमें क्या फ़ायदा भी है कोई कि नहीं, ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे। इनवर्टिब्रेट्स, एनिमल्स विच डू नॉट हैव बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स। There are different kinds of invertebrates found on the earth, insects, snails, insects, कीड़े मकौड़े, snails, घूंगे, starfish, जो stars जैसी मछली होती है पानी में जिस जो आपको नज़र आती है, starfish, worms, कीड़े worms होते हैं वो चीज़ें जो ये भी कीड़े ही कह सकते हैं इनको, लेकिन लंबे लंबे गोश्त जैसे होते हैं, आर फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट। अब इसको हमने देखा कि इसमें इंसेक्ट्स हैं, इसमें स्नेल्स हैं, इसमें स्टारफिश है, इसमें वॉर्म्स हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स और वॉर्म्स। स्टारफिश आपको सिर्फ देखने को मिलेगी, स्नेल्स आप देखिएगा उसके ऊपर, ये वो जानवर होते हैं जिनके ऊपर शेल होता है, खोल होता है और उसके अंदर उनका एक छोटा सा कीड़ा रह रहा होता है, ये एक अलग ग्रुप है। यानी इसमें आप आपको कितने ग्रुप मिल गए हैं, और इंसेक्ट्स, स्नेल्स, स्टारफिश और वॉर्म्स। अब हम इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की बॉडी के तीन हिस्से होते हैं, इंसेक्ट्स में तीन पार्ट्स होते हैं। एंट्स आपकी इंसेक्ट में आती है, बटरफ्लाई, बीज, बम्बल बीज, कॉकरोचेस, ये तमाम चीज़ें इंसेक्ट्स में आती हैं। इंसेक्ट्स आर वेल नोन इनवर्टिब्रेट्स, ये बहुत ज़्यादा जाने पहचाने बगैर रीढ़ की हड्डी वाले जानवर हैं, विद जॉइंट लेग्स, जिनके साथ टांगे जुड़ी होती हैं, तीन तीन टांगे, पेयर ऑफ थ्री लेग्स होते हैं, दे हैव
सेगमेंटेड बॉडीज, एंट्स, बटरफ्लाइज, बीज, कॉकरोचेज आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट्स। अच्छा, इसके बाद आप देखिए, इनका एक हेड है, दूसरा हिस्सा इनका थॉरेक्स है, तीसरा हिस्सा इनका एब्डोमेन है। एवरी इंसेक्ट हैज थ्री पार्ट ऑफ इन इट्स बॉडी, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, ये आपको आना चाहिए। इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स, थ्री पेयर एंड हैव हार्ड स्केल्टन। इनका जो ऊपर की खाल होती है ना, वो ज़रा सख्त होती है ऑन द आउटर साइड ऑफ देयर बॉडी। अंदर से ये बिल्कुल नरम से होते हैं, गोश्त तो इनमें नहीं होता, लेकिन इनके अंदर जो सिस्टम होता है, जो एक दो छोटी सी खून की नालियां हैं, या इनके खाना हजम करने का जो इनका एब्डोमेन है, उसमें जो खाना पीना ये लेके जाते हैं, उसको हजम करके जो पार्ट ऑफ बॉडी बनाते हैं, छोटा मोटा सिस्टम इनका मौजूद है। लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर एक शेल होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है टूटने से, गिरने से, मरने से, या इनको ख़त्म होने से, और इनकी बॉडी को शेप देता है। उसके बाद आगे वॉर्म्स, सम वॉर्म्स लिव इन द बॉडीज ऑफ हायर एनिमल्स फॉर गेटिंग फूड। कुछ कीड़े मकौड़े, कुछ वॉर्म्स ऐसे हैं जो जानवरों के अंदर रहने लग जाते हैं, और इसलिए उनको वो वहीं से खाना ले लेते हैं। वॉर्म्स आर इन्वर्टिब्रेट्स विथ सॉफ्ट बॉडीज़, ये वो जानवर हैं जिनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, हैविंग नो लिम्स, इनके कोई पाँव नहीं होते। मोस्ट ऑफ देम, इंसेक्ट्स के पाँव होते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव इलोंगेटेड स्नैक लाइक बॉडीज, लंबी लंबी स्नैक जैसा इनका जिस्म होता है। अर्थवॉर्म एंड टेपवॉर्म आर वॉर्म्स हुज बॉडीज आर डिवाइडेड इंटू मैनी सेगमेंट्स, यानी यूँ ऐसे जैसे स्प्रिंग हो, स्प्रिंग्स जुड़े हुए हों। फ्लैट वॉर्म्स एंड राउंड वॉर्म्स आर वॉर्म्स विदाउट सेगमेंटेड बॉडीज, ये ऐसे एक ट्यूब की तरह, नाली की तरह होते हैं, और इसके अंदर कोई सेगमेंटेड चीज़ें नहीं होती, शेप नहीं होती इसके अंदर, ऐसे जैसे एक एक सर्कल जोड़ जोड़ के आपने इसको बनाया है। स्टारफिश एंड सी एनिमोनी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेराइन इनवर्टिब्रेट। स्टारफिश और सी एनिमोनी, ये एक फूला हुआ सा होता है जो जिसकी बहुत सारे साइडों पर ऐसे जैसे एक रुई का गाला हो, और उसकी बहुत सी छोटी छोटी सी टांगें निकली हुई होती हैं, और सेंटर में इसकी बॉडी होती है, और ये भी बगैर रीढ़ की हड्डी के होता है। ये चिपक के किसी चीज़ से खाना अपना ले लेते हैं। ये तो है हमारा एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम के लिए हम अलग से क्लास एक पूरा करेंगे। इस इतने से लेसन को आप 5 से 6 बार रीड कीजिए और इसे लर्न कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एनिमल किंगडम के बाद जब हम प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर हम इस लेसन की एक्सरसाइज वहीं पे सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।